हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पवन सर, मैथमेटिक्स एजीवे में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नई जगह पे नए टॉपिक के साथ, यानी कि आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास नाइन्थ, महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास नाइन्थ का, आप देख रहे हैं, क्लास नाइन्थ विज्ञान भाग दो की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैथ्स टू पढ़ रहे थे। मैथ्स टू का हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नया सब्जेक्ट जिसका नाम है साइंस, और उसका चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो साइंस टू है वो साइंस टू कहां से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर सिक्स से, और उस चैप्टर नंबर सिक्स का नाम है वनस्पतियों का वर्गीकरण। आज इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक पाठ है और इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। इसलिए आप क्या करिए, लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन भी दबा देते हैं, दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट साइंस टू का, जिसका नाम है वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का वर्गीकरण करने स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, क्लास एट्थ में चले जाइए, चले जाइए मतलब अभी दौड़ के मत जाइए, आप मतलब मेमोराइज कीजिए, याद करिए कि आपने क्लास एट में पहला पार्ट पढ़ा था, वहां पे सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ा था, और उस सजीवों के वर्गीकरण में आपने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था जिसका नाम था रॉबर्ट विहाटकर। इन्होंने जो पद्धति लाई थी उसका नाम था पंच जगत पद्धति। यानी कि जब इन्होंने सजीवों का वर्गीकरण करना स्टार्ट किया था तो उसे पांच समूहों में बांटा था। कितने समूहों में, पांच समूहों में, जिसको हम लोग बोलते हैं जगत। पांच जगत में क्या किया था, उसे वर्गीकृत किया था। इसलिए उनके पद्धति को नाम ही पड़ा है पंच जगत पद्धति। इससे पहले एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्लिनियस। उन्होंने क्या किया था, द्वि पद्धति लाई थी, जिसका जिसमें वो वंश और जाति के बारे में बताए थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आपको क्लास आठवीं का मेरा वीडियो जो है पहले चैप्टर का, वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर भूल गए हैं तो पुरानी चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट विहाटकर, इन्होंने क्या किया, पंच जगत पद्धति लाई। वो पंच जगत पद्धति में तीन जो जगत थे, जो तीन समूह थे, वो हम क्लास आठवीं में कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से, मोनेरा जगत, कवक और प्रोटिस्टा जगत। ये तीन जगतों के बारे में हमने क्या किया है, क्लास आठवीं में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बच गए थे दो जगत, जिसमें एक का नाम आता है वनस्पति जगत और एक का नाम आता है प्राणी जगत। तो वनस्पति जगत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे, और प्राणी जगत के बारे में क्लास दसवीं में पढ़ेंगे। यानी कि इस तरह से हमारी पंच जगत पद्धति का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। यानी कि सभी सजीवों का वर्गीकरण हम लोग क्या करेंगे, क्लास टेन तक पढ़ लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पंच जगत पद्धति में सजीवों का। तो थोड़ा सा यहाँ मेमोराइज किया गया, आप थोड़ा भूल गए होंगे, तो उसको शुरू में आपको दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो जो सजीव होते हैं उसे पहले दो समूहों में बांटा गया है, एक होता है आदि केंद्र की और एक होता है दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो, यानी कि ये जो सजीव होते हैं ये सब कैसे होते हैं, एक कोशिका, इनकी जो पूरी शरीर है वो किससे बनी होती है, एक कोशिका से बनी होती है। लेकिन ये ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोशिका के अंग या केंद्रक जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से बने नहीं रहते हैं, मतलब उनकी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए रहते हैं, शुरुआत हुई रहती है। यानी कि उनमें ना तो केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ना ही उसके अंग जो है वो क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और इनका पूरा शरीर क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। तो उस आदि केंद्रकी में कौन सा जगत आता है, मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में हमने उदाहरण कौन से पढ़े थे, जितने भी जीवाणु हैं, जैसे दही में मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, और भी बहुत सारे जीवाणुओं के नाम हमने पढ़े थे। तो जितने भी जीवाणु हैं वो सारे जीवाणु किस में आते हैं, मोनेरा जगत में। और एक नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल जिसमें मैंने आपको बताया था, खेती जब होती है, जैसे धान की खेती होती है, धान की खेती होती के समय आप देखते हैं कि जब पानी का कई दिनों से पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसमें आपको हरा हरा भाग दिखाई देने लगता है। तो जो हरा हरा वो भाग दिखाई देता है उसे बोला जाता है नीलहरी शैवाल। तो ये इसके अंदर ही क्या होता है, आता है। और ये सब कैसे होते हैं, मैंने बताया एक कोशिकीय होते हैं।
यानी कि इनकी पूरे शरीर की रचना किससे बनी होती है, एक कोशिका के द्वारा बनी होती है। आगे आते हैं सेकेंड, जो इसको डिवाइड किया गया, यानी कि सजीव कैसे होते हैं, आदि केंद्र की होते हैं या तो दृश्य केंद्र की होती है, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक या उसके अंग विकसित नहीं हुए रहते हैं, और एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक और उसके अंग पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो चुके रहते हैं और वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है दृश्य। दृश्य मतलब देख सकते हैं, उसके केंद्रक को क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये दृश्य केंद्र की कोशिका। अब आपको बताया गया आदि केंद्र की तो बात खत्म हो गया, ये सारे एक कोशी होते हैं, इसमें मोनेरा जगत आता है, उसके उदाहरण हमने पढ़ लिए। लेकिन दृश्य केंद्र की में क्या होता है, दोनों प्रकार के आते हैं, एक होता है एक कोश की और एक होता है बहुकोश की, यानी कि इसमें जो सजीव आते हैं वह या तो एक कोशिका से बने होते हैं या बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोश की और बहुकोश की। तो एक कोश की में प्रोटिस्टा जगत आता है, यानी कि सेकेंड जगत, मोनेरा जगत खत्म हो गया, सेकेंड जगत कौन सा आता है, प्रोटिस्टा जगत। ये भी कैसे होते हैं, एक कोश की प्राण होते हैं, सभी सजीव कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं। और इसमें उदाहरण अगर हम पढ़े थे, ये भी आठवीं में हमने पढ़ा था, युगलीना का चित्र मैंने दिखाया है, पैरामीशिया, अमीबा, ये सब जो आपने देखे हैं ये सब क्या होते हैं, एक कोश की प्राणी होते हैं, और ये किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में, यानी कि इनके पूरे शरीर की रचना एक कोशिका से हुई रहती है, लेकिन इसमें केंद्रक और अंग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के माध्यम से। इसके बाद आते हैं बहुकोशिकी। बहुकोशिकी कैसे होते हैं, उसमें कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, किसी किसी में दो आवरण पाया जाता है, किसी किसी में एक ही आवरण पाया जाता है, यानी कि उनका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको अलग समूह में बांटा गया, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसका अलग समूह, यानी कि इसके बाद जो बहुकोशिकी है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका भित्ति युक्त और एक कोशिका भित्ति विहीन। तो कोशिका भित्ति युक्त में कौन कौन से आते हैं, एक तो वनस्पतियां आती है, कोशिका भित्ति युक्त में कौन आता है, वनस्पति, देख सकते हैं, यानी ये कैसे होती है, दो भागों में बांटी गई, एक तो कोशिका भित्ति युक्त में एक स्वयंपोषी होती है और एक परपोषी। स्वयंपोषी का मतलब भी आप साइंस का ही दिनों से पढ़ते रहे हैं तो आपको पता होगा, स्वयंपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी वनस्पतियां जो होती है उनमें हरित लवक उपस्थित होता है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी। बाकी वनस्पतियों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सजीव हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, परपोषी, क्योंकि वो किसी ना किसी माध्यम से दूसरे से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सिर्फ वनस्पतियां हैं जो अपना भोजन बनाती, इसलिए वही स्वयंपोषी कहलाते हैं, बाकी सब के सब क्या कहलाते हैं, परपोषी। तो कोशिका भित्ति युक्त में दो आते हैं, एक स्वयंपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। तो परपोषी में कौन आ गया, कवक। कवक जो तीसरा हमने पढ़ा, तीसरा जगत कौन सा, कवक। तो कवक में हमने पढ़ा था कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था भुट्टे के ऊपर क्या हो जाता है, एस्परजिलस नामक कवक आ जाता है। इसके बाद ब्रेड के ऊपर देखोगे तो इस होता है, क्यूर्न नामक फफूंद आ जाती है। तो तीसरा उदाहरण आपको दिया गया था पेनिसिलियम, ये तो ये क्या है, कवक के उदाहरण, ये आपने क्लास आठवीं में पढ़ा है। इसके बाद आपको कोशिका भित्ति विहीन, यानी आप देखेंगे प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में भी क्लास आठवीं में आपने पढ़ा था, वहां अंतर पढ़ा था कि वनस्पति कोशिका पे कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति विहीन होती है, यानी कि जिसके कोशिका के ऊपर सिर्फ एक आवरण होता है, वो सारे के सारे प्राणी, यानी कि हम जो बने हैं, हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कोशिका कैसी हैं, कोशिका भित्ति विहीन है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब कैसे होते हैं, उनमें एक ही आवरण होता है, वो भी कोशिका कला होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये हुआ हमारा सजीवों का वर्गीकरण। अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वनस्पति का, यानी कि मोनेरा जगत आठवीं में पढ़ा, प्रोटिस्टा भी आठवीं में पढ़ा, कवक के बारे में भी आठवीं में पढ़ा। यहां पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वनस्पति जगत के बारे में और प्राणी जगत के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वनस्पति जगत। तो ये जो वनस्पति जगत है इसका वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई आधार होगा। तो वर्गीकरण का क्या आधार, मतलब उन्होंने किस आधार पे वनस्पतियों का वर्गीकरण किया होगा, वो कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर विचार किया गया होगा, उन सभी मुद्दों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले ये देखा गया होगा कि कौन सी वनस्पतियों में अंग है या नहीं, मतलब अगर वनस्पतियों में अंग है उपस्थित हैं कि नहीं है। अंग मतलब जैसे उसमें क्या होते हैं, तना है कि नहीं है,
पत्ती आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जड़ है कि नहीं है, फूल है कि नहीं है, फल है कि नहीं है, ये जो वनस्पति के अंग होते हैं ये उपस्थित है या नहीं, इस पर क्या किया गया होगा, विचार किया गया होगा। अगर अंग है तो उसके बाद, क्योंकि धीरे पहले क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सजीवों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, पहले कोशिका आई, कोशिका जब कई मिलती है तो ऊतक बनेगा, फिर जब ऊतक बनेगा तो क्या होगा, विकसित होने के बाद अंग बनाएगी, जब कई अंग आ जाएंगे तो संस्थान बनेगा, कई संस्थान जब एक साथ सही से विकसित हो जाएंगे तो जाके एक पूरे शरीर की क्या हो जाती है, रचना होती है। तो वैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर उसमें अंग है तो इसके बाद हमें विचार करना है कि उसमें संवहनी ऊतक, मतलब जो भोज्य पदार्थ उसमें तैयार होते हैं, जो पानी तैयार होता है, इसको पहुँचाने के लिए संवहनी ऊतक उपस्थित है या नहीं, चाहे वो भोजन तैयार करने के बाद या पानी है, उस चीजों को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, तो उसमें संवहनी ऊतक है कि नहीं है, इस पे विचार किया गया। फिर बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, उस वनस्पति में बीज धारण करने की क्षमता है, मतलब उसमें बीज होता है कि नहीं है, अगर पुष्प आएगा तो बीज भी आएगा, लेकिन अगर उसमें पुष्प नहीं है इसका मतलब है बीज भी नहीं है, यानी कि उसमें बीज धारण करने की क्षमता है, मान लीजिए कुछ दो तीन अंग है लेकिन वह उसमें फूल नहीं आते हैं और फल नहीं लगते हैं, तो वो क्या हो गया, बीज धारण करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो इसलिए इसमें तीसरा विचार क्या किया गया, बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, इस तीसरे मुद्दे पे ध्यान दिया जा सकता है, मतलब वर्गीकरण किन मुद्दों पे आधार, किस आधार पे हम लोग वनस्पति का वर्गीकरण करते हैं, वो मुद्दे यहाँ हमने लिखे हैं। फिर अगर मान लीजिए उसमें बीज धारण करने की क्षमता है, तो जो बीज है वो फल के अंदर है, यानी कि वो बीज फल से ढका हुआ है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर आवरण है या नहीं है, इस मुद्दे पे ध्यान दिया गया। जैसे जैसे मतलब विकास होते गया तो इस सब चीजों पे भी ध्यान देने लगे, तो अगर बीज है तो बीज फल से ढका है या नहीं, और इसके बाद अगर बीज फल से ढका भी है तो उसके अंदर जो बीज पत्रों की संख्या है वह एक है कि दो है, इस पर विचार किया, यानी कि इन सभी को आधार मान के क्या किया गया, वनस्पति का वर्गीकरण किया गया। तो पूछा जा सकता है वनस्पति का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है, तो आपको ये मुद्दे क्या करने लिखने हैं। इसके बाद वनस्पति का वर्गीकरण यहाँ पे हमने दर्शाया है, वनस्पति का वर्गीकरण सबसे पहले किसमें किया गया है, अबीजपत्री और बीजपत्री। अबीजपत्री मतलब क्या होता है कि उसमें बीज नहीं आते हैं, देखो साइड में लिखा अपुष्प, अपुष्प मतलब उसमें फूल भी नहीं आता है और बीज नहीं आता है, तो जिसमें फूल नहीं आते हैं बीज नहीं आते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, अबीजपत्री, यानी कि ऐसे वनस्पति जिसमें फूल भी नहीं है फल भी नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, अबीजपत्री, यानी उसमें बीज धारण करने की, मतलब जिसमें बीज नहीं होता है ऐसे वनस्पति को क्या कहा जाता है, अबीजपत्री वनस्पतियां, और जिसमें फूल भी लगते हैं और फल भी आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बीजपत्री। तो ऐसे दो भागों में से क्या किया गया, वनस्पति जगत को डिवाइड किया गया, एक अबीजपत्री और एक बीजपत्री। इसके बाद अगर हम लोग अबीजपत्री में आए तो उसे तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि उसमें तीन भागों में बांटा गया, मान लीजिए उसमें क्या थे, फल फूल नहीं है, तो अब हो सकते हैं जो बाकी बच गए उसमें कुछ अंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके आधार पे अबीजपत्री को भी क्या किया गया, तीन भागों में बांटा गया, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और तीसरा है डेंडोफाइटा, इस तरह से तीन जगत में उसे क्या किया गया है, या तीन उपसंघों में उसे विभाजित किया गया है। और जो बीजपत्री है जिसमें फूल भी है और बीज भी आ रहा है, अब इसके बाद मैंने क्या होता है, जिसमें बीज है तो आपको ये सोचना पड़ेगा उसका जो बीज है वो फल से ढका है कि नहीं ढका है, तो उसके लिए दो भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिसका जो बीज है वो फल से ढका है या नहीं, और बीजपत्री आवृत बीजी मतलब उसके ऊपर आवरण है, तो इस तरह से दो भागों में हो सकता है उसका बीज फल से ढका ना हो, मतलब उसके ऊपर कवर ना हो, और हो सकता है उसके ऊपर कवर हो, तो इस तरह से उसे दो भागों में बांटा गया। फिर जिसके ऊपर कवर है मतलब जो बीज फल के अंदर है तो उसमें जो बीज पत्र हैं वो कितने हैं, एक है कि दो है, तो इस तरह से उसको दो भागों में फिर से बांट दिया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस तरह से वनस्पति का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। ओके।
आगे पढ़ते हैं हम लोग वनस्पति जगत में उप जगत। जैसे मैंने बताया वनस्पति जगत को सबसे पहले क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया है, अबीजपत्री और बीजपत्री। अबीजपत्री मतलब क्या होता है, जिसमें जो अंग है वह उपस्थित नहीं है, जैसे फूल भी नहीं है और फल नहीं आ रहा, उसके अंदर फल नहीं आ रहा है यानी कि फूल भी नहीं आ रहा है, पुष्प और फल धारण करने की क्षमता नहीं है यानी कि वो क्या है, अबीजपत्री है। तो उस अबीजपत्री समूह को उपजगत को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है उसको, जैसे बताया मैंने उसको तीन भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो उसमें सबसे पहला विभाग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग थैलोफाइटा के बारे में। जो थैलोफाइटा, थैलो मतलब क्या होता है कि जिसमें जो उसके अंग को अगर हम उसके उस वनस्पति को देखें तो हम उसमें ये बोल ही नहीं सकते कि ये इसका पत्ती है, ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, यानी कि उसके अंगों को देख करके हम उसमें यह भिन्नता या ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें पत्ती कौन है, इसमें जड़ कौन है और इसमें क्या है, तना कौन है, यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, थैलो। और फाइटा मतलब क्या होता है, वनस्पति, मतलब इसके अंदर वे वनस्पति आती है जिसके अंदर अंग जो है, पत्तियां, फूल, फल, ये सब चीजें स्पष्ट रूप से नहीं होती है, यानी कि इनमें अंग बिल्कुल दिखाई स्पष्ट रूप से उनमें भिन्नता पर हम लोग भिन्नता या विभेदन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मैंने बताया कि उसे दो भागों में, और ये थैलोफाइटा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, बाहर की आवाज आ रही है सॉरी इसके लिए, क्योंकि आसपास का माहौल जैसा है, काम चलता रहता है। तो थैलोफाइटा का जो मीनिंग है, सॉरी थैलोफाइटा की जो वनस्पतियां हैं ये कहाँ पाई जाती है, ये या तो पानी, ये हमेशा पानी में होती है, ये बाहर नहीं होती है, ये कहाँ होती है, पानी में होती है, सारी की सारी वनस्पति थैलोफाइटा की क्या होती है, पानी में होती है, या तो वो मीठे पानी में होती है या तो वो खारे पानी में होती है, मीठे पानी में या तो खारे पानी में, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे उसे दो भागों में, थैलोफाइटा को भी क्या किया है, दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है शैवाल वर्ग और एक होता है कवक। शैवाल और कवक में क्यों विभाजित किया गया, क्योंकि इसके अंदर वे वनस्पतियां आती हैं कि जो कुछ लोग स्वयं पोषी होते हैं, कुछ लोग परपोषी होती है इसमें भी, यानी कि अपना भोजन बना भी लेती हैं और कुछ नहीं बना पाती हैं। तो जो अपना भोजन बना लेती हैं वो शैवाल वर्ग में आती हैं, जो नहीं बना पाती वो कहां आती हैं, कवक वर्ग में। तो सबसे पहले हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, शैवाल को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताऊं, तो अभी बारिश का मौसम है, पानी पानी है, पानी है, ऐसी जगह चले जाइए जहां का पानी हरा दिखाई देता हो, हरा दिखाई देता हो मतलब अंदर गंदा पूरा काई काई दिखाई देता हो, तो जो काई है वही क्या है, आपको शैवाल है। अब देखोगे ऐसे हाथ से सब पकड़ोगे तो आपका पूरा हाथ कैसा हो जाएगा, चिप 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 लगेगा, और हरा हरा भाग क्या होगा, ऐसे ऐसे आपको आपके हाथ पे दिखाई देगा। तो ये जो है ये क्या है, काई है, इसको बोलते हैं शैवाल। और वो शैवाल को आपने देखा, उस देखोगे तो उसमें क्या बता सकते हो कि पत्ती कहाँ है इसमें, जड़ कहाँ है इसमें, या तना कहाँ है, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, यानी कि इसलिए इसको क्या किया गया, इस विभाग में रखा गया, थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया। अभी शैवाल की क्या क्या विशेषता होती है एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये एक कोशी या बहुकोशी, यानी कि ये जो शैवाल होते हैं ये बहुत छोटे भी होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं वो एक कोशी होते हैं, और कुछ बहुत बड़े होते हैं जो बहुकोशी होते हैं, यानी कि इनमें एक कोशी शैवाल भी आते हैं और बहुकोशी शैवाल का भी समावेश होता है। इसके बाद ये नरम और तंतुमय होते हैं, आप काई को देखोगे कितना नरम रहता है और एकदम ऐसा करोगे टूट जाता है, तंतुमय रहता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, नरम और तंतुमय होते हैं। तीसरी खासियत, ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक या पर्णहरिम पाया जाता है, और इस पर्णहरिम की वजह से ये क्या कर सकते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी। वैसे मैंने आपको कई बार बताया स्वयंपोषी मतलब वे वनस्पतियां जो हरे होती हैं और उनमें हरित लवक होता है, और हरित लवक की उपस्थिति में वो क्या करती है, अपना भोजन स्वयं बना लेती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है स्वयंपोषी। तो इसमें हरित लवक पाया जाता है यानी क्या है, स्वयंपोषी है। इसके बाद इसके उदाहरण, स्पायरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स, अलवा, सरगैसम, इसके चित्र आपको दिख सकते हैं। अब दूसरा जो विभाग बांटा गया है उसको कवक, कवक आपने कई बार पढ़ चुके हैं, कवक कैसे होते हैं, परपोषी, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, पर्णहरिम नहीं पाया जाता, यानी कि ये क्या हो गया, परपोषी। और इसके उदाहरण किरण, फफूदी,
आपने देखा ही होगा ब्रेड और उसपे सफेद वो क्या है आपको कवक होते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला विभाग जिसका नाम है थैलोफाइटा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा।